अब हम इसमें चेक करेंगे शियर, कि इसमें शियर स्ट्रेस कितनी आ रही है। तो अब हम डालेंगे चेक फॉर शियर, शियर कितनी आ रही है, अब हम इस चीज को चेक करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं टाउ वी, और टाउ वी के फॉर्मूला होता है वी यानी कि जितना शियर फोर्स आ रहा है डिवाइड बाई बी डी। वी हमारा जितना शियर फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 24 किलो न्यूटन, लेकिन इसको हम रखेंगे न्यूटन में यानी 24,000 न्यूटन। बी हमारा 200 mm है इंटू डी हमारी अब हो गया 380 mm। अब ये कितना आता है 24,000 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 380, ये आ रहा है 0.315 MPa यानी कि न्यूटन पर mm2, ये आ गया टाउ वी। अब हम निकाले टाउ सी, टाउ सी की वैल्यू हमें आईएस कोड से मिलती है, तो हम इसमें लिखेंगे आईएस 456 2000 पेज नंबर 84 टेबल नंबर 23। अब जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको वैल्यूज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा, और परसेंटेज ऑफ स्टील है, परसेंटेज ऑफ स्टील इसका फॉर्मूला ऊपर दे रखा है एएसटी डिवाइड बाय बीडी इनटू 100। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं, इसके लिए एएसटी कितना दिया था हमने 455 डिवाइड बाय बीडी, बी हमारा 200 एमएम इनटू 380 इनटू 100। निकालते हैं कितना आता है 455 200 डिवाइड बाय, ये आपका आ रहा है 0.598। अब देखिए टेबल में अगर हम ध्यान से देखें तो परसेंटेज ऑफ स्टील में 0.598 परसेंटेज ऑफ स्टील पर तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखी, लेकिन एक इससे कम दे रखी है जो कि है 0.5 फॉर M20, क्योंकि जो हमने ग्रेड ली है उस पर अगर हम देखेंगे तो M20 पर दे रखा है 0.3 वैल्यू, और इसके बाद दे रखा है 0.75 जिस पर वैल्यू दे रखी है 0.35। तो हम अब लगाएंगे इंटरपोलेशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरपोलेशन। अब इंटरपोलेशन कैसे लगाते हैं, दो वैल्यूज को एक जगह अपने पास लिख लो इस तरीके से, एक तो जिस पर हमें निकालनी है उससे कम वाली वैल्यू, यानी 0.598 है तो 0.598 से कम वाली वैल्यू कौन सी है 0.5 पर वैल्यू दे रखी है 0.3 और 0.75 पर वैल्यू दे रखी है 0.35। तो अब ये बात तो क्लियर है हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 से कुछ ज्यादा है, यानी 0.5 से कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब 0.3 से भी कुछ ज्यादा होगी, हालांकि 0.35 से कम होगी लेकिन 0.3 से तो कुछ ज्यादा होगी। अब हम इंटरपोलेशन लगाते कैसे इसको समझते हैं, सबसे पहले हम किसी चीज को मान लेते बेस, यहां पर 0.598 है 0.5 से ज्यादा है तो हमने 0.5 को बेस मान लिया, इसका मतलब है इंटरपोलेशन अगर हम लगाएंगे तो हमें यह पता है कि अगर हम वैल्यू निकालना है 0.598 के लिए तो ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 0.3 से तो कुछ ज्यादा होगी, तो हम लिख देंगे 0.3 प्लस, यानी इससे तो कुछ ज्यादा होगी, ये तो हमें तय है। कितनी ज्यादा होगी वो देखते हैं, वो देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा किस दर से ये वैल्यू बढ़ रही है। देखो 0.5 कम था 0.75 ज्यादा था, ऐसी 0.3 कम था 0.35 ज्यादा था, यानी ये वैल्यू जब बढ़ रही है परसेंटेज ऑफ स्टील तो हमारा ये वाली वैल्यूज भी बढ़ रही है राइट साइड वाली, यानी टाउ सी की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमें ये देखना होगा किस दर से बढ़ रही है। तो टोटल वैल्यू जो बढ़ी 0.35 हो गया, कितना बड़ा 0.35 माइनस 0.3, यानी इसमें से ये घटा दिया तो कितना बड़ा ये हमें मिल गया, डिवाइड बाय किसके हिसाब से बड़ा, बड़ा तो इसके हिसाब से, तो ये कितना बड़ा था जो ये इतना बढ़ गया, तो ये 0.75 माइनस 0.5, 0.75 माइनस 0.5, यानी ये तो इतना बड़ा जबकि ये इतना ही बड़ा था, तो हमें ये दर प्राप्त हो गई। अब ये दर है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी दर है, किस दर से ये वैल्यूज बढ़ रही है हमें पता लग गया, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें तो केवल ये वैल्यू पता लगानी है 0.598 पता लगानी है, लेकिन हमने खुद 0.3 से तो मान ही रखा है प्लस, 0.3 को तो आगे मान रखा हमने प्लस, इसका मतलब 0.3 से ऊपर हमें देखना है, यानी 0.5 तक की तो वैल्यू हमने ले रखी है 0.3, तभी तो 0.3 को प्लस किया हमने, तो 0.3 प्लस, तो हमें यहां जो लिखना है ये तो पूरी दर हो गई, कितने का निकालना है केवल और केवल 0.598 माइनस 0.5 इसका निकालना है, केवल जो इन दोनों का अंतर है 0.5 से ये कितना ज्यादा है उतने की हमें दर और पता लगा लेनी है कि वो कहां तक वैल्यू जाएगी। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू हमारी आ गई 0.5
3196, वैल्यू आ गई है 0.3196 MPa, ये आ गई है टाउ सी की वैल्यू। टाउ वी की वैल्यू आ चुकी है ये, टाउ सी की वैल्यू आ चुकी है ये, अब हम निकालेंगे टाउ सी मैक्स की वैल्यू। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IAS, वही दोबारा 456 2000, पेज नंबर, अब की बार अगले पेज पे चले जाएंगे, पेज नंबर 85 पर हमें टेबल नंबर मिलेगी इससे अगली वाली, यानी टेबल नंबर 85, पेज नंबर 85 पर टेबल नंबर 85 आपको मिलेगी, और उस टेबल पर नहीं, टेबल नंबर 85 थोड़ी है, टेबल नंबर तो 25 होगी, 24 होगी, टेबल नंबर 24, तो इस पर टेबल नंबर 24 पेज नंबर 85 पर आप देखेंगे तो टाउ सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, टाउ सी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि डिपेंड करेगी आपकी किस ग्रेड का आपने कंक्रीट लिया है, M20 लिया है, M30 लिया, हमने लिया है M20, तो हम यहां लिखेंगे फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू 1.8 MPa। अब हमारी क्या कंडीशंस बन रही है, टाउ वी है 0.315, जब ये है 0.3196, यानी टाउ वी छोटा है टाउ सी से भी, और टाउ सी मैक्स से तो फिर छोटा होगा क्योंकि टाउ सी मैक्स तो सबसे बड़ा होता है, मतलब टाउ सी से बड़ा होता है, कभी कभी टाउ वी भी बड़ा हो जाता है, वो कंडीशन सारी समझाई है पिछली वीडियो में। तो हमारी कंडीशन क्या बन रही है, हमारी कंडीशन यहां बन रही है, यहां पर लिख देते हैं, कंडीशन हमारी है टाउ वी सबसे छोटा है, उससे बड़ा टाउ सी, और उससे बड़ा है टाउ सी मैक्स। ये कंडीशन नंबर आपकी फर्स्ट वाली फॉलो कर रही है, जो कि टाउ वी टाउ सी मैक्स, फर्स्ट कंडीशन अगर फॉलो करे तो इसका मतलब हमें रीइंफोर्समेंट, शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जब शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है तो भी हमें आइस कोड कहता है बीम को संभालने के लिए, हमें मिनिमम इतना तो शियर रीइंफोर्समेंट देनी ही देनी पड़ेगी। वो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कितनी है, वो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट है इतनी ASV डिवाइड बाई बी SV 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। यह लिखेंगे फॉर मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट ASV डिवाइड बाई BSV इज इक्वल टू 0.87 FY। ये यहाँ पर दे रखा है IS के क्लॉज नंबर 26.5.1.6 में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें शेयर इन्फोर्समेंट में सबसे पहले ASV डिसाइड करना पड़ता है, यानी एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट डिसाइड करना पड़ता है, इसमें थोड़ा हिसाब अलग रहता है। तो यहाँ पर क्या है, स्पेसिंग की वजह से हमें पता लगता है कितना शेयर हमने ज़्यादा दिया है इन्फोर्समेंट या कम दिया है, हमें डिसाइड करना है अब यहाँ पर ASV। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी आर प्रोवाइडिंग 6 mm of two-legged stirrups of FE 250। FE 250 का हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि जनरली हम माइल्ड स्टील का ही प्रोवाइड कराते हैं, आप चाहे तो FE 415 का भी करा सकते हैं, लेकिन FE 415 से ऊपर का आप प्रोवाइड ना कराएं स्टिरप्स। तो FE 250 का हम 6 mm का स्टिरप प्रोवाइड करा रहे हैं टू लेग्ड, यानी कि इस तरीके से उसके दो लेग होंगे, तो यहां पे हमें डबल एरिया को कैलकुलेट करना होगा। अब हम निकालेंगे पहले ASV यानी एरिया ऑफ वन स्टिरअप, वो कितना होगा π/4 × d² d यानी कि 6 का स्क्वायर, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू लेग स्टिरअप्स, तो ये तो एक सर्कल का एरिया हो गया इस तरफ का, ऐसे ऐसे दो है क्योंकि दो लेग है इसकी, तो ये अब इसका ASV का वैल्यू कितनी आएगी, ASV वैल्यू π/6/2, इसकी वैल्यू आई है 56.54। अब हम इस ASV की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में और यहां से निकालेंगे कि हमारा SV कितना आता है, यानी स्पेसिंग कितना आता है, ये इसका B है BSV। अब यहां से हमें पता लगेगा कि इसका स्पेसिंग कितनी आ रही है SV, हमारे पास B भी है और 0.87 भी है, 0.87 तो वैल्यू है, 0.4 और FY है हमारे पास जो कि 250 है, और ASV अभी हमने निकाला। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे 56.54 डिवाइड बाई बी हमारा है 200 mm, 200 डिवाइड बाई SV इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY जो कि हमारा है 250। यहाँ से अगर हम SV की वैल्यू निकालते हैं, SV की वैल्यू आएगी 56.54 डिवाइड बाई 200
एस वी की वैल्यू हमारी आ रही है 153.7 mm आ रही है एस वी की वैल्यू। लेकिन ये एस वी की वैल्यू आ रही है, अब हम कितना प्रोवाइड कराएंगे उसके लिए कोड ने हमसे कह रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू कभी भी स्पेसिंग की ज्यादा नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है हम लिखेंगे एस वी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक तो 0.75D या फिर 300 mm, इससे ज्यादा कभी भी 300 mm, इन दोनों से ज्यादा कभी भी एस वी नहीं होनी चाहिए। एस वी मैक्सिमम की वैल्यू है। अब ये तो 300 mm ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 0.75D को सॉल्व करते हैं। डी कितना था हमारा, डी था 380, यानी कि 0.75 × 380, जो कि निकल कर आएगा 380 × 0.75 = 285। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी कौन सी होनी चाहिए, मैक्सिमम का मतलब है कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये है 285 और ये है 300, और इसने कहा है कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जब भी कभी मैक्सिमम की बात आती है तो हम इसमें मिनिमम वाली वैल्यू को मानते हैं। ऐसा क्यों, देखो इसकी बात का मतलब है कि एस वी मैक्सिमम है, 300 भी है मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम है, ये जो एस वी है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैं 300 को मानूं कि एस वी मैक्सिमम 300 मानता हूं, तो एस वी 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 290 हो सकता है, 300 से ज्यादा नहीं तो 290 हो सकता है। लेकिन 290 रखने पर ये वाली ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऊपर वाला कहता है कि 285 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें एस वी मैक्सिमम 285 मानना पड़ेगा, 285 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 284 लेता हूं तो वो कंडीशन बिल्कुल ओके है, 285 से भी कम है, 300 से भी कम है। तो जब भी कभी मैक्सिमम लग जाए और दो तीन वैल्यू हो, तो उसमें हमेशा मिनिमम वाली वैल्यू लेना, और जब कभी मिनिमम लग जाए, जैसे एस वी मिनिमम लग गया और चार पांच वैल्यू जैसी लेनी है, तो उसमें मैक्सिमम वाली वैल्यू लेना हमेशा। अब इसमें हमारा हम लिखेंगे कि एस वी इज लेस देन एस वी मैक्सिमम, यानी ये जो मैक्सिमम स्पेसिंग है उससे हमने कम ही प्रोवाइड की है, जो कि अच्छी बात है। कम प्रोवाइड करना अच्छी बात क्यों है, क्योंकि एस वी हमने कम दी है डिस्टेंस, यानी एक स्टेटअप अगर हमारा यहां पर है तो दूसरा स्टेटअप हमारा पास पास है, क्योंकि एस वी कम है, पास पास है यानी स्टेटअप हमने ज्यादा लगा रखे हैं, शेयर इन्फोर्समेंट ज्यादा लगा रखी है, तो अच्छी बात है तो ज्यादा लगा रखी। तो हम एस वी को कितना लेंगे, अब 153 तो हम लेंगे नहीं, और इस एस वी को हम बढ़ा भी नहीं सकते, बढ़ाएंगे इसका मतलब स्ट्रेस दूर दूर होने लगेंगे, यानी शेयर इन्फोर्समेंट घटने लगेगा। हम एस वी को कम कर सकते हैं, कम करने से हमारा बेनिफिट है। तो हम क्या एस वी को मान लेंगे, एस वी इज इक्वल टू, जैसे हम इसको 150 मान लेते हैं, 150 mm बिल्कुल सही है, यानी कि हम जो प्रोवाइड कराएंगे वो 6 mm के टू लेग स्टेटअप 250 FE 250 ग्रेड के कराएंगे, और जो कि स्पेसिंग रहेगी 150 mm, यानी 150 mm दूर स्टेटअप लगाए जाएंगे। यहां तक हमने स्टेटअप को डिजाइन कर दिया है, इसको लिख देते हैं ऊपर 6 mm टू लेग स्टेटअप है 150 mm सेंटर टू सेंटर, इस चीज को हमने लिख दिया। कि अब ये सारी इतनी सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, अब फाइनली हमें कैलकुलेट करनी है डेवलपमेंट लेंथ। अब मेन हमें डेवलपमेंट लेंथ इसकी एलडी निकालनी है। अब एलडी का सीधा फॉर्मूला हमारा ये 26.2.1 में दे रखा है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज नंबर 26.2.1 पर हमें फॉर्मूला देखा डेवलपमेंट लेंथ का, तो हम यहां लिखेंगे डेवलपमेंट लेंथ LD इज इक्वल टू फाई सिग्मा ST डिवाइड बाई 4 tau BD। अभी tau BD की वैल्यू कहां से मिलेगी, tau BD की वैल्यू लिमिट स्टेट के लिए अलग है और वर्किंग स्ट्रेस के लिए अलग है। वर्किंग स्ट्रेस के लिए हमारे जो tau BD की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, जो आपका NXB दे रखा है, NXA tau BD की वैल्यू मिलेगी NXB में 2.1 पे, NXB में 2.1 पर आपको मिल जाएगी tau BD की वैल्यू। अब यहां से हम tau BD की वैल्यू लेंगे, तो हम लिखेंगे यहां अकॉर्डिंग टू IS वही 456/2000 पेज नंबर 81 के हमारा टेबल नंबर 21, यहां पर आपको सिग्मा CBC की वैल्यू मिल जाएगी और आगे tau BD की वैल्यू दे रखी है, तो यहीं से हम उठाएंगे tau BD की वैल्यू। अब इसमें
सीधे सीधा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर और हमारा एल डी की वैल्यू आ जाएगी, एल डी इज इक्वल टू फाइव। अब फाइव हम किसकी डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ हम लेते हैं जो टेंशन वाला रीइंफोर्समेंट है ना, इसमें जो मेन रीइंफोर्समेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो एल डी में जो फाइव लगाएंगे किसका डायमीटर लगाएंगे, जो हमने मेन रीइंफोर्समेंट लगाया है यानी जो नीचे लगाया है सरिया, जो टेंशन में लगाया है वो मेन रीइंफोर्समेंट है हमारी इस बीम का, और उसका हमने फाइव कितना लिया है 12 यानी 12 एमएम का। तो 12 गुणा सिग्मा एस टी, सिग्मा एस टी की वैल्यू हमारी है 230 डिवाइड बाई 4 इंटू टाउ बी डी की वैल्यू, हम वहां से उठाएंगे टेबल से, टाउ बी डी की वैल्यू टेबल नंबर 21 से हम उठा लेंगे जो कि 0.8 दे रखी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं एल डी की वैल्यू, एल डी की वैल्यू आती है 862.5, इसको हम राउंड फिगर में कर देंगे 865 mm हमने इसको राउंड फिगर में कर दिया। डेवलपमेंट लेंथ जितनी ज्यादा देंगे उतना अच्छा रहेगा, ये चीजें प्रैक्टिस से पता लग जाएंगी आपको और याद हो जाएंगी कौन सी चीज को हम ज्यादा देंगे तो बेहतर है, कौन सी चीज को कम देंगे तो बेहतर है, क्योंकि कोड में आप रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने स्पेसिंग देखी थी, स्पेसिंग को हमने कम कर दिया था और बेहतर था हमारे लिए, यहाँ पर हमने डेवलपमेंट लेंथ को बढ़ा दिया है वो और बेहतर है हमारे लिए। लेकिन अब हमें डेवलपमेंट लेंथ को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो डेवलपमेंट लेंथ है हमारी वो टोटल जो ये वाला फॉर्मूला हमारा 26.2.3.3 पर दे रखा है इस फॉर्मूले से पूरा मैच कर रहा है या नहीं कर रखा है, इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। कहेंगे चेकिंग सुटेबिलिटी ऑफ एल डी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ। अब इसकी हम सुटेबिलिटी चेक करेंगे, इसमें दो चीज आपको चेक करनी है, एक तो आपको ये चेक करना है जो एल डी का एक तिहाई है वो क्या सपोर्ट की विड्थ तक जा भी पा रहा है या नहीं जा पा रहा। जैसे अगर आप ये बीम दे रहे हैं, अब नीचे यहां पर सपोर्ट भी देंगे कुछ, तो ये जो सपोर्ट आप दे रहे हैं अब यहां तक तो सरिया मेन आपका है ही है, इसके अंदर कितना जा रहे हैं वो है इतना 865 mm तो आपको अंदर जाना है। अब उतना जगह भी इसके पास है या नहीं है, अब तो जगह ही ना हो सपोर्ट में, तो हम अब सपोर्ट नीचे इसने तो दे नहीं रखे कि जो बीम जिस पर टिकी हुई है वो सपोर्ट कितना कितना चौड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद मान लेंगे, हम मान लेंगे एज्यूमिंग सपोर्ट ऑफ बीम इज 300 mm, हमने 300 mm का मान लिया सपोर्ट हो गया इसका। अब हमारा जो सरिया है यहां से जाएगा, अब यहां से यहां तक तो सीधा सीधा चला जाएगा, उसके बाद हमें घुमाना पड़ेगा ऊपर की तरफ या हो सकता है घुमाना पड़े नीचे की तरफ। हमें कोड कहता है कि मिनिमम इतना तो सीधा जाना ही चाहिए, कितना जाना चाहिए वो कहता है LD by 3 करके जो भी वैल्यू आएगी उतना तो इसको सीधा जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जा पा रहा है तो आप अपने सपोर्ट को चौड़ा कीजिए। अब LD by 3 कैसे निकलेगा, यहां पर हम चेक करेंगे LD by 3 क्या है, 865/3 हम निकालेंगे इसका, 865/3 ये हमारा आ रहा है 288.33 आ रहा है। अब हमें ये चेक करना है ये जो 300 mm है, 300 mm तो डिस्टेंस है, यहां से ये चल दिया 300 mm, लेकिन इसको पूरा 300 mm थोड़ी ना मिल रहा है चलने के लिए। ये जैसे अगर ये यहां से चली हमारी बार, यहां से चली चली और यहां तक ही जा पाएगी, क्योंकि आगे तो बीम का क्या आ गया, इफेक्टिव कवर आ गया, और इफेक्टिव कवर के आर पार थोड़ी ना जाएगी, इफेक्टिव कवर से पहले ही रोकना पड़ेगा हमें बीम को। इफेक्टिव कवर नीचे भी चलेगा, इफेक्टिव कवर साइड में भी चलेगा, इफेक्टिव कवर ऊपर भी चलेगा, इफेक्टिव कवर तो चारों ओर चलेगा बीम के, इसको प्रिजर्व करने के लिए ताकि कहीं से जंग वगैरह ना लग जाए सरिये में। हम क्या चेक करेंगे अब इसका बीम का सपोर्ट कितना था, 300 mm, इसमें से इधर से बीम स्टार्ट हुई पूरा यहां से आता 300 mm है, लेकिन ये हमें इफेक्टिव कवर माइनस करना पड़ेगा, माइनस इफेक्टिव कवर, और इफेक्टिव कवर कितना मान रखा है हमने इसमें, इफेक्टिव कवर हमने इसमें माना था 20 mm का, माइनस 20 mm यानी कितना हो गया 300 - 20 जो कितना बैठा 280 बैठा। अब देखो अब यहां पर क्या कंडीशन बन के आ रही है हमारे साथ कि इतना कोड ने कहा था इतना तो सीधा जाना ही चाहिए, कितना जाना चाहिए था सीधा 288 यानी एल डी का एक तिहाई 288, लेकिन सीधी जाने की हमारे पास डिस्टेंस कितनी बची है मात्र 280, यानी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। हम क्या करेंगे इस केस में, अब सपोर्ट को बढ़ा देंगे, तो हम लिखेंगे अब कि दोबारा लिखेंगे, पहले नीचे लिखेंगे एल डी बाई थ्री इज नॉट लेस देन सपोर्ट या विड्थ
ऑफ सपोर्ट माइनस इफेक्टिव कवर। जब हम ये लाइन को लिख देंगे कि LD by 3 is not less than width of support minus effective cover, हम लिखेंगे फिर hence, यानी अब हम क्या करना पड़ा है हमें, hence increasing, यानी हम बढ़ा रहे हैं width of the support, support की width हम बढ़ा रहे हैं, यानी support हमें चौड़ा अब लेना पड़ेगा। support हम कितना ले, अब की बार हम support ले लेंगे, same case करेंगे यहां, दोबारा लिखेंगे assuming support of beam या assuming width of support of beam is, अब इस बार हम लेते हैं 350 mm। अब क्या है, LD by 3 तो वही रहेगा 288, जबकि ये कितना रहेगा width of support 300 minus effective cover, effective cover कितना है 20 mm, तो ये कितना बैठेगा अब की बार आपका 350 minus 20 यानी बैठेगा 330, और अब की बार हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, यानी 288 छोटा है 330 से, तो हमें अब विड्थ ऑफ सपोर्ट कितनी होगी, इतनी होगी, यानी हमें जो विड्थ देनी है सपोर्ट की वो इतनी देनी है, यानी अगर आप ऐसी बीम को डिजाइन करते हैं जिसकी डेवलपमेंट लेंथ इतनी आती है, तो उसके नीचे की जो भी आप चौड़ाई रखेंगे सपोर्ट की, चाहे आप कॉलम बनाए नीचे या फिर दीवार के ऊपर टिकाएं इसको, आपको इतनी चौड़ी देनी पड़ेगी, 350 mm का आपको सपोर्ट उसमें देना ही पड़ेगा। ये चीज हमें समझ में आई यहाँ कि अगर हम बीम को डिजाइन करते हैं तो हमें दीवार है जिसके ऊपर टिकी है बीम या जो कॉलम है उसकी इतनी चौड़ाई तो आपको रखनी ही पड़ेगी कि इतना सरिया अंदर को चला जाए, वरना ये बीम आपकी फेल कर जाएगी, यहाँ से सरिया स्लिप हो जाएगा या कुछ आपका और डैमेज इसमें हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके एक बार डेवलपमेंट लेंथ को ऐसे और चेक करते हैं ये वाले इस फॉर्मूले से। ये चेक करने का डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है, LD छोटा होना चाहिए 1.3 m/V + L0 से, जहां पर ये जो L0 है, जो L0 की वैल्यू है, ये आपके L0 कहलाता है एंकरेज लेंथ बियॉन्ड सेंटर ऑफ सपोर्ट, और इसके हम दो में से एक वैल्यू लेते हैं, एक D और एक 12 phi, इनमें से जो भी बड़ा होता है उसको हम लेते हैं, जनरली हमारे D ही बड़ा इसमें बैठता है। अब एक बार करते हैं इसको रब करके, लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 के क्लॉज नंबर 26.2.3.3, इस पर फॉर्मूला दे रखा है कि LD जो होना चाहिए वो आपको बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1.3 m/V + L0 के, और यहां पर जो हमारा L0 है वो L0 क्या होना चाहिए, वेयर L0 हमारा एक तो D और एक 12 phi से, जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा वो लेंगे। D कितना है हमारा, D है 380 mm, और 12 phi की बात करें अगर phi हम L L0 में वही लेंगे जो हमारा मेन बार चल रहा था, यानी 12 mm का 12, तो ये बैठ गया 144 mm, दोनों में से बड़ा कौन सा है 380, तो वैल्यू कौन सी लेंगे 380, यानी हमारा जो LD है LD वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1.3 × m, m क्या है, m हमारा होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम चाहते हैं मेन की ये झेले, वो हमारा मोमेंट निकला था बेंडिंग मोमेंट 26.46, लेकिन ये फिर वही बात नीचे mm में रख रहे हैं वैल्यू, जबकि ये क्या है किलो न्यूटन मीटर में दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे न्यूटन मीटर में, और नीचे V हमारा शेयर फोर्स जो कि दे रखा है 24, लेकिन 24 ये दे रखा है किलो न्यूटन में, हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस एक आपका 380 mm जो कि है L0। इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 1.3 × 26.462, इतने का आ रहा है, ये इसमें ये ऑर्डर ऐड करते हैं 380, ये आ रहा है आपका 1813.25 mm, जो कि ये हमारा जो LD है वो बड़ा है, ये आ रहा है 1813 mm, जबकि हमारा जो LD आ रहा था वो LD आ रहा था 865 mm, और ये इससे नहीं, ये तो छोटा होना चाहिए ना, लेकिन हाँ ये हमारा वैल्यू छोटी होनी चाहिए इससे, तो ये गलत साइन लग गया यहाँ पर, ये इससे छोटा होना चाहिए, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे हेंस ओके, यानी कि अब हमारा ये स्ट्रक्चर यहां तक ओके है, सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स हमें चाहिए थी वो सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं,
अब फाइनली केवल इसका डायग्राम बनने रह गया है, यानी मेन जो इसका डिजाइन है वो बनने रह गया। अब एक बार डायग्राम बना देते हैं इसका किस तरीके से बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए हम क्या है इसमें, ये रही हमारी बीम और बीम के नीचे जो हमने सपोर्ट दिया था वो दिया है 350 mm का। और सपोर्ट अगर आप चाहें तो इस तरीके से पैटर्न बना देंगे, इस पैटर्न का मतलब है कि मैशनरी है, यानी चिनाई हो रखी है, दीवार है ये या ईंटों की बनी हुई है ये स्ट्रक्चर नीचे वाला, ये इसका पैटर्न है। और बीम जो हमारा इसमें सरिए जाएगा, एक तो जाएगा नीचे यहां से यहां तक तो ये जाना ही जाना है, इसके बाद आगे जो घूमेगा वो घूमेगा डेवलपमेंट लेंथ में। अब ये कितना है, ये है 350 mm, तो एक बार हम यहां पे लिख देंगे ये है 350 mm। ये पूरा कितना था हमारा बीम, 4000 mm का। और अगर हम देखें इफेक्टिव लेंथ, इन दोनों के जो बीचों बीच हमारी इफेक्टिव लेंथ थी वो कितनी बैठी थी हमारी, इसमें एल स्मॉल एल ASTSF स्मॉल एल तो इसमें शायद लिखा नहीं, लेकिन जो मुझे मेरे को याद आ रहा है शायद 4.2 meter थी ना, शायद 4.2 meter थी, यहां पर लिखा नहीं। अब वो वैल्यू निकाल ली काफी पहले, याद नहीं रही, शायद वो 4.2 meter है, 4.2 meter मान लेते फिलहाल हम उसको, जो हमने स्मॉल एल निकाला था। अब इसके अलावा यहां पर हमारा, अब ये सरिया कितना आगे जाएगा, यहां तक तो ये आ चुका, अब इसके आगे चलेगा इसका डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ कितना है, 865 देना है हमको। अब 886 कैसे देंगे, देखो 350 तो ये है लगभग, यहां तक जाएगा, उसके बाद इतना ही ऊपर जाना पड़ेगा और उतना ही फिर इसको इधर पीछे की तरफ घूमना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ, लेकिन इतना आप दिखा तो पाएंगे नहीं और ना ही इसमें डेवलपमेंट लेंथ को ऐसे ही कैलकुलेट करेगा। तो हम करेंगे क्या, यहां से थोड़ा सा ले जाकर आगे इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और दिखा देंगे ये पूरा कि है ये पूरा डेवलपमेंट लेंथ, यानी इस तरीके से पूरा दिखा के यहां पर, और यहां पर लिख देंगे ये है एल डी, यानी डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू 865 mm। ठीक है, इस तरीके से हम दिखा देंगे। जब हम आरसीसी ड्राइंग पढ़ेंगे तो उसमें ये पूरा अगर आपको दिखाना है, अगर आप 865 ले रहे हैं तो पूरा 865 जाना चाहिए, दिखना भी चाहिए। यहां तो सबको पता लग रहा है कि ये इसकी डी ही कितनी थी 380, तो ये पूरा हो ही नहीं पाया 865, लेकिन फिर भी यहां इसमें चलता है इस बारे में ड्राइंग में। यहां तो आप सिर्फ बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने डिजाइन को, तो यहां पर चलता है। और ऊपर ये एक सरिया देंगे आप, यहां इसको भी हल्का सा आप इस तरीके से नीचे को ले आएंगे, ये डेवलपमेंट लेंथ। अब क्या है, जो नीचे हमने सरिये लगाए थे वो कैसे लगाए थे, नीचे वाले सरिये हमने लगाए थे 12 mm के, है ना, तो ये लिखेंगे 12.5। और कितने सरिये लगाए थे हमने, इसमें 4 सरिये लगाए थे 4 bar। ठीक, और जो ऊपर लगाए थे हमने, ऊपर की ये एंकर बार, एंकर बार को हम हमेशा आप 10.5 यानी कि 10 mm की बार ले लेंगे। जब ये अभी सिंगली बीम है, सिंगली बीम में क्या है, हम ऊपर के सरिये को डिजाइन नहीं करते हैं, सिर्फ ये एंकर की तरह काम करता है, हैंगर की तरह काम करता है स्टिरप्स को संभालने के लिए, इसलिए हम 10.5 के 2 सरिये इसमें लगा देंगे 2 bar। अब इसके अलावा स्टिरप्स आएंगे, अब इसके स्टिरप्स यहां बिल्कुल सेंटर से यहां से हम स्टार्ट कर देंगे स्टिरप को और ये आगे बढ़ता जाएगा। स्टिरप के लिए आप लिख देंगे यहां पर कितने कितने के स्टिरप है ये, तो आप लिख देंगे यहां 65 लिए थे हमने, 65 हमने 6 mm से लिए, 65 टू लेग्ड स्टिरप्स, यहां लिखेंगे एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, यानी कि 150 mm हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखी है, यानी इसके सेंटर से स्टिरप्स के, इसके सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 150 mm है। ज्यादा में गिनने की जरूरत नहीं है कि टोटल 4000 है 150 mm की दूरी पर, तो कितने आएंगे, इतना ज्यादा गिनने की जरूरत नहीं है, वो जब हम आरसीसी ड्राइंग करेंगे वहां पर हम गिनेंगे और वहां पर हम इस तरीके से इसको दिखाएंगे भी कितने देने हैं। बकायदा वहां पर एग्जामिनर भी आपके चेक करता है, गिनता है कि स्टेप्स इन्होंने बराबर दिए हैं या नहीं दिए जितने चाहिए। इसके अलावा अब हमें एक यहां पर दिखाना होगा डेप्थ, डेप्थ हमारी है 380 mm, यहां से ध्यान रखना सरिए के बिल्कुल नीचे यहीं तक ही दें। और ओवरऑल डेप्थ जो है वो चाहे तो यहां पर दिखा देंगे, यहां हमारा जब एक साइड में इस तरीके से क्रॉस सेक्शन बनाएंगे यहां पर दिखा देंगे, इस क्रॉस सेक्शन में नीचे दिखाएंगे हमारे 4 सरिये, तो 3-4, ऊपर 2 सरिये दिखाई देंगे, एक दिखाएंगे स्टिरप्स इस तरीके से आता होगा। स्टिरप्स में एक बार ध्यान देंगे, स्टिरप्स का ये जो बैंड दिखाएंगे हम, ये जो बैंड आएगा ये बैंड हम दिखाएंगे कंप्रेशन जोन में, हमेशा
हमेशा जो स्ट्रेप का बैंड आता है इस तरीके से जोड़ आता है वो जहां पे कंप्रेशन आता है उसी जगह देते हैं। इस बीम में ऊपर कंप्रेशन है तो हमने ऊपर दे दिया, अगर ये कैंटिलीवर बीम होती तो उसमें कंप्रेशन कहां आता, नीचे की तरफ, तो हम इसको नीचे की तरफ रखते। फिलहाल हम यहां पे इसको दे रहे हैं स्ट्रेप का बैंड, और ये टोटल हमारा था 400 mm, ये 400 है और विड्थ इसकी कितनी थी 200 mm इसकी थी विड्थ। ये फाइनली हमारा डायग्राम हो चुका है। चाहे तो हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि ये हमारे इस तरीके से 12 फाई के 4 बार हैं, चाहे तो हम इसको हम यहाँ बता सकते हैं। ये पूरा डायग्राम है, ये जो पूरा हमने क्वेश्चन किया है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड किया है और इसका फाइनल आंसर ये है। ये डायग्राम बना हुआ आएगा, जब हम ये डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में तब एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहीं से हमारा सारी वैल्यूज वो चेक कर सकता है और एक एक्सपीरियंस जो एग्जामिनर होता है वो इस डायग्राम को देखकर ही पता लग जाएगा कि आपने डायग्राम को ठीक से डिजाइन किया है या नहीं किया है, क्योंकि लोड देखकर पता लग जाता है कितना सरी कितने एमएम के यहाँ पर लगेंगे। अब फाइनल ये रहा आपका डायग्राम। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, जिसको हम छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसमें इतना बड़ा डिजाइन नहीं करेंगे, कुछ वैल्यूज पहले से दे रखी होंगी और कुछ उसमें हम वैल्यूज निकालेंगे। अब जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे वर्किंग स्ट्रेस का, उसमें हम स्ट्रेप को नहीं निकालेंगे ना ही उसका डेवलपमेंट लेंथ करेंगे। इससे ये सबके स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे ये है, कोई क्वेश्चंस के ऊपर वेरी नहीं करेंगे, ये सबके स्टेप सेम रहेंगे। अब हम स्ट्रेप नहीं निकालेंगे, ये नहीं।